हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज की मार्केट भी बिल्कुल वॉलेटाइल थी और बिल्कुल साइडवेज हम लोगों को देखने को मिली है। बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर था बट निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा था। 16,000 का लेवल था जहां पर स्ट्रॉन्ग पुट होल्ड राइटर्स का होल्ड था, बट वहां पर भी लास्ट आवर के अंदर टोटल 9 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स थे पुट राइटर्स के, जो कि गिर के ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन आ चुके हैं। कॉल राइटर्स बिल्कुल स्टेबल थे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुट राइटर्स वीक हो रहे हैं 16,000 रुपीज के लेवल पे, बट कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को स्टिल होल्ड कर रहे हैं। कल थर्सडे है, मंथली का एक्सपायरी है, किस तरीके से ट्रेड लेना है, कौन से स्टॉक्स हमें ज्यादा पैसा कमा के दे सकते हैं और मार्केट के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, अगर साइडवेज भी जाता है तो क्या करना है, सारी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखेगा, पसंद आया तो लाइक भी जरूर कर देना। सो आज की मार्केट में हुआ क्या, एक बार स्टडी कर लेते हैं। आज की मार्केट में हम लोगों ने देखा था कि एक हम लोग सुबह पॉजिटिव होल्ड देख रहे थे एंड आफ्टर दैट निफ्टी नीचे वीक होना स्टार्ट हो गया ड्यू टू आईटी। चार स्टॉक्स थे जिसकी वजह से हम लोगों को देखने को मिला, तो दो तो आईटी गए थे, उसके बाद एशियन पेंट्स था जिसकी वजह से आई थिंक कोई बैड न्यूज आई थी जो इम्पैक्ट कर रही थी। बैंकिंग स्टॉक्स अभी तक स्ट्रॉन्ग होल्ड करे हुए हैं। कोटक बैंक को अगर देखें तो 1920 के ऊपर जाके उसने क्रॉस करा है, विच इज अ वेरी गुड सब रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक करा है 1900 के, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो बैंकिंग सेक्टर आर डूइंग गुड, इंश्योरेंस सेक्टर आर डूइंग गुड, तो इन पे हम अपनी बेट लेकर चल सकते हैं। रादर देन अगर हम लोग शॉर्ट पोजीशंस बनाना चाहेंगे, बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव है, वो नीचे आ जाएगा, उसको शॉर्ट कर दें, इसमें हमें कोई मजा नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी को स्टडी कर लेते हैं एंड फिर देखते हैं स्टॉक्स के ऊपर। तो FII का डाटा, ओपन इंटरेस्ट सारी स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। चलते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं, हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट ओपन करा हुआ, इट्स अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम और ये एग्जैक्टली ग्राफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करा था। आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज है मार्केट के अंदर जो फुलफिल कर रही है ऑलमोस्ट 9 मई से। अगर हम चेक करेंगे तो 9 मई से ऑलमोस्ट ये रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। हम देखते हैं एग्जैक्टली अपने अपर रेजिस्टेंस पे आता है एंड एक फॉल आ जाता है, एग्जैक्टली अपने लोअर लेवल पे सपोर्ट लेके वहां से बाउंस करता है एंड दोबारा सेम एक रेंज के अंदर पूरा कंसोलिडेटेड है। अब इस रेंज का जो मिड पॉइंट है दैट इज नॉट 50%, इसका जो रेंज का मिड पॉइंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है जहां पर एक सपोर्ट मिल रहा है, मैं उस मिड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, दैट इज 61.8%। अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर चार्ट पे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस लेवल पे एग्जैक्टली इस लेवल पे यहाँ पर सपोर्ट लिया, इट बाउंस बैक अगेन, इसने 61.8% लेवल को ब्रेक करा है, एक शार्प फॉल हमें देखने को मिली है। आफ्टर शार्प फॉल पे एक सपोर्ट से रिकवरी आई तो एग्जैक्टली वही लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। आफ्टर अ ब्रेकआउट दैट बिकम सपोर्ट एंड नाउ इट्स ऑल्सो बिकमिंग अ सपोर्ट। सो अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या करनी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हो चुके हैं कि मार्केट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेटेड है। अब डेफिनेटली कल मंथली एक्सपायरी है तो शायद हो सकता है दोबारा रेंज के अंदर ही बंद हो, या हो सकता है कि आइदर साइड एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या रख सकते हैं, कल मंथली एक्सपायरी है सो अगर हम बड़ी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन करें ना, तो बड़ी मूवमेंट पे भी ये रेंज का शायद ब्रेकआउट ना कर पाए, अदरवाइज इसको 400-500 पॉइंट की निफ्टी को मूवमेंट करनी पड़ेगी। लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे। अभी एक साइकोलॉजिकल लेवल है 16,000 रुपीज का जिसपे अभी मार्केट ट्रेड कर रही है, ये मेक और ब्रेक इवन लेवल है। जिसके ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली एक मार्केट ऊपर की तरफ मूव ले सकती है, अदरवाइज अगर ये नीचे जाना स्टार्ट करता है तो अपने सपोर्ट्स को टेस्ट करेगी। सपोर्ट का जो लेवल है दैट इज 15,750, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स नीचे है। जो रेजिस्टेंस का लेवल है दैट इज 16,350, जो कि ऑलमोस्ट 350-400 पॉइंट्स ऊपर है। सो यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने में कल मार्केट को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है, बट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी बिकॉज 250 पॉइंट्स है जो कि मार्केट इजिली निफ्टी कवर अप कर लेती है। निफ्टी 250 पॉइंट्स आराम से नीचे या ऊपर चली जाती है। सो यहाँ क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, देखिए अकॉर्डिंग टू द चार्ट सेटअप अगर हम लोग यहाँ पर इजिली समझे, हमने हमेशा देखा है कि जब भी ये इस जोन के नीचे जाके एक बियरिश कैंडल क्लोज करती है वहां पर सेंटिमेंट यही होता है कि अपने ये लोअर लेवल्स को टेस्ट करेगी, यस और नो, क्लियरली हम लोगों को यहाँ पर और हर लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। सो व्हाट वी कैन डू, हमने अभी एक चीज आपको बताई है कि 16,000 के जो भी पुट राइटर्स थे उन्होंने लास्ट के 15 मिनट के अंदर 9 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए थे, या बहुत फास्ट उन्होंने पुट राइटिंग को अनवाइंड करा है, एग्जिट करा है। सो अगर कल एक गैप डाउन देखने को मिलता जस्ट लाइक दिस दिस और दिस, तो डेफिनेटली हमारा जो टारगेट्स होगा दैट शुड बी अराउंड 15,850-15,750। इस रेंज के अंदर हमारा टारगेट होने वाला है और हम इजिली शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। अदरवाइज अगर ये इस पर्टिकुलर जो चैनल मैंने क्रिएट करा हुआ ना, डाउन साइड चैनल अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर ये इसको ब्रेकआउट देके ऊपर चले जाता है तो डेफिनेटली हम लोग एक बाय ट्रेड भी ले सकते हैं।
अब मैं यहाँ पर बाय ट्रेड क्यों कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं एक अच्छी मूवमेंट आई थी यहाँ से, एक गैप अप दिया और एक कंटिन्यूस मूवमेंट थी। एग्जैक्टली 61 जो एक गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो लेवल होता है वहां जाके इसने पॉज लिया है। सो ये अगर इस चैनल के ऊपर चले जाता है और ये 50%, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, अगर ये 16,100 के ऊपर जाना ट्रेड करता है तो डेफिनेटली हम लोग एक बाय पोजिशन बना सकते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, कल मंथली एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट ऊपर जाती रहेगी तो नीचे हमारे पास टाइम नहीं बचेगा लोगों के पास कि वो लोग और कॉल राइटिंग करते रहे, मतलब और नीचे मार्केट की तरफ लेकर जाते रहे। तो कल अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो एक तरफ मूवमेंट है, अगर कल मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और शुरुआत के सिर्फ आधा घंटा सस्टेन करती है, जिधर भी गैप अप या गैप डाउन खुलता है सिर्फ आधा घंटा अगर सस्टेन करती है, उसी तरफ हमें एंड में क्लोजिंग देखने को मिलने वाली है। ये बात आप याद रखिएगा, मार्केट में लोग बीच में बहुत ट्राई करने वाले होंगे कि अगर एक गैप अप खुलेगा और मार्केट आधा घंटा ऊपर भी सस्टेन कर लेती है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कॉल राइटर्स एक्टिव होना स्टार्ट होंगे और मार्केट नीचे जाएगी, बट वो बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी होगी। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं कि अगर गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट आधा घंटा भी नीचे सस्टेन कर लेती है इस लेवल के नीचे, तो डेफिनेटली बीच में एक बार बस पुट राइटर्स ऐड होंगे कि मार्केट को ऊपर लेकर जा पाए और वहां पर आपको शॉर्ट कर देना है। सो बहुत मौके मिलने वाले हैं अगर मार्केट को एक सीधी रैली करनी है। अब साइडवेज की बात करें, सो देखिए साइडवेज के लिए ना ज्यादा स्पेस बची नहीं है हमारे पास। साइडवेज की अगर मैं बात करूं तो आप ये लेवल लेकर चल सकते हो, इस लेवल के अंदर अंदर मार्केट साइडवेज रह सकती है। इस लेवल के नीचे अगर एक कैंडल भी जाती है तो शॉर्ट है, इस लेवल के ऊपर भी अगर एक कैंडल जाती है तो सीधा लॉन्ग है। टारगेट्स बहुत सिंपल है, अगर इसके ऊपर जाता है देन दिस शुड बी आर टारगेट्स, जो कि मैं मान के चला हूं नॉट कल आ जाएंगे बट विद इन अ डे और टू हमें देखने को मिल सकते हैं। बट अगर मार्केट नीचे आती है तो हम इस लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं और ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको मैंने पूरा बता दिया, इस रेंज के अंदर ही आपको ट्रेड नहीं करना है, इस रेंज के ऊपर साइड और नीचे साइड हम लोग एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी ऑपरेटर्स बहुत तरीके से ट्रैप कर रहे हैं मार्केट को, उन्हें एक तरीके से टाइमिंग पता चल चुका है कि जिस टाइमिंग पे हम लोगों को अपने ऑपरेटर्स को ट्रैप करना है। लेट मी शो यू, आई थिंक हम लोगों को ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एक कैंडल दिख जाएगी। आई थिंक ये निफ्टी में ना हो बट आई थिंक ये बैंक, यस निफ्टी के अंदर भी हमें देखने को मिली थी अ क्लियर साइन ऑफ अ ब्रेकआउट, और ये वाली जो कैंडल देख रहे हो इट्स अ ट्रैप कि इस लेवल पे ब्रेकडाउन दिया ऑलमोस्ट नीचे गया एंड वहां पे दोबारा एक कंटिन्यूस बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से कल बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर होने वाली है बिकॉज टुमारो इज मंथली एक्सपायरी, और मैं आप लोगों को वीकली चार्ट पे भी एक चीज दिखाना चाहूंगा, देन लेट्स मूव टू ओपन इंटरेस्ट डाटा, ठीक है। सो लेट मी क्लियर ऑल द ड्रॉइंग्स हियर, मैं एक बार ड्रॉइंग हटा देता हूँ। देखिए सिंपल बेसिस पे आपको क्या चीज समझनी है, ये जो लेवल है, yes, ये जो लेवल है आप देख रहे हैं, ये जो चार कैंडल्स थी, ये चार कैंडल्स थी अप्रैल सीरीज के। सो दो कैंडल्स तो इट्स वेल एंड गुड, बट लास्ट के अप्रैल के लास्ट 2 वीक्स पे पूरे टाइम साइडवेज थी एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा फर्स्ट वीक ऑफ मे में एक बड़ी फॉल आई, सेकेंड वीक ऑफ मे में एक गैप डाउन के साथ एक बड़ी फॉल आई है। बट अगर मैं सेकेंड वीक का हाई और लो मार्क करूं, लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो, आप देख सकते हो कि पूरे टाइम इसी कैंडल के अंदर ही मार्केट वर्क कर रही है, नेक्स्ट वीक भी वर्क कर रही है और इस वीक भी वर्क कर रही है। सो मार्केट जब तक हायर लेवल को ब्रेक नहीं करेगी या फिर लोअर लेवल को ब्रेक नहीं करेगी तो मार्केट के लिए ये रेंज बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है और आइदर साइड जहां पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा वहां बड़ी मूवमेंट हो सकती है। सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बता दिया, एक बार स्टडी कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का डाटा। सो निफ्टी के अंदर अगर हम लोग चेक करें तो 16,100 के पुट राइटर्स अनवाइंड कर चुके हैं पोजीशंस को और हाईएस्ट कॉल राइटर्स ऐड है 16,200 रुपीज पे। सो डेफिनेटली ये ओपन इंटरेस्ट का डाटा आई डोंट थिंक ये अभी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द टुमारोज मंथली एक्सपायरी, इसको हम लोग वॉच करके ज्यादा नहीं चलेंगे, इसके थ्रू हमें ज्यादा अपनी सोच को अलग चेंज नहीं करना, पर्सपेक्टिव को नहीं बदलना। अगर अभी हम लोग चेक करें ओवरऑल 26th of May का डाटा का, बिकॉज ये तो आज की बात कर रहे हैं, अगर ओवरऑल बात करें तो डेफिनेटली 6.5 मिलियन, आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ होगा पुट पे 6.5 मिलियन अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स पुट पे एडेड है और 4.3 मिलियन है कॉल पे, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये 16,000 का गैप डाउन में ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोगों को चल डरने की बात नहीं है, और अगर इसी लेवल पे ओपन होता और नीचे जाना स्टार्ट करता है तो हम लोगों को आधा घंटा वेट करना है। तो रिमेंबर दैट शुरुआत के आधा घंटा बाय या सेल साइड कहीं ट्रेड नहीं करना, सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो एक बार चल लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट सेटअप पे एंड उसको भी स्टडी कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी आई थिंक अभी तक पॉजिटिव रहा है एंड अगर बैंक निफ्टी का मैं चार्ट ओपन करके दिखाऊं, लेट मी जस्ट शो यू, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियर बेसिस पे हम लोगों को शो कर रहा है कि एग्जैक्टली ये भी ऑलमोस्ट 5th May से अपने रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है, और अगर मैं इसके लो की बात करूँ तो 13th May को बना है वो भी ब्रेक नहीं हो पाया है।
सो डेफिनेटली मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड साइडवेज है. अब एग्जैक्टली अब यहाँ पर हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो हम लोगों ने निफ्टी में आपको बताई है, सिंपल टर्म्स में हमें चेक करना है. देखिए अगर मैं इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करता हूँ 50% का, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ज्यादा फॉल नहीं कर रहा. निफ्टी ऑलमोस्ट 61% तक इतना फॉल कर चुका है, बट बैंक निफ्टी सिर्फ यहाँ तक फॉल करा है, विच इज वेरी गुड. तो आई थिंक अगर ब्रेकआउट या बाइंग साइड में मोमेंटम आती है तो बैंक निफ्टी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स भी अभी भी गुड लग रहे हैं हम लोगों को. सो व्हाट वी कैन डू इज अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, दैट इज 34,150 के नीचे अगर एक बियरिश कैंडल क्लोज होती है, तो हम लोग अपना बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग निफ्टी पे ही लेंगे. सो देयर आर टू सिनेरियोस, लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली. अगर मार्केट कल नीचे जाएगी, हमें पता चल जाएगा अगर कल मार्केट नीचे जाएगी, तो हमारा क्लियर शॉर्ट होना चाहिए निफ्टी के अंदर. अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए बैंक निफ्टी. शॉर्ट के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस निफ्टी है और लॉन्ग के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस बैंक निफ्टी है. एक बार स्टडी कर लेते हैं बैंक निफ्टी का भी हम लोग ओपन इंटरेस्ट डाटा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट के आर में ही ये पूरा डाटा बदला है, बट अगर हम लोग मिड की बात करें 12 या 1 बजे की, तो डेफिनेटली पुट राइटर्स ज्यादा एक्टिव थे एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स. लास्ट आर में पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन इनवाइट कर ली है, बट इसको अगर हम लोग इग्नोर करें तो टोटल कॉल्स एंड टोटल पुट्स एग्जैक्टली सेम है, ज्यादा मेजर डिफरेंस हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है. हाईएस्ट पुट राइटर्स है एट 34,000, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. एंड 34,500 पे हाईएस्ट कॉल राइटर्स है. आइदर साइड जिधर भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा वहां पर एक बड़ी मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एक बार स्टडी में आपको करके दिखा देता हूँ इस डाटा को भी. तो जनरली जब भी लाइव मार्केट ओपन होती है तो ये डाटा होता है सेंसिबल का, जो हम लोगों को मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट, जो हम लोगों को क्लियर इंडिकेशन देता है कि कब मार्केट रिवर्स करने वाली है. सो इसके बेसिस पे ही मैं आप लोगों को सारी जजमेंट अपने टेलीग्राम चैनल पे वॉइस नोट्स के थ्रू प्रोवाइड. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट 2:35 PM की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 9 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स थे, एंड विद इन एन आर ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन 7 मिलियन रह चुके हैं. एंड आप देख रहे हो कि उसके बाद से अगर आप यहाँ चेक करोगे तो कॉल राइटर्स हल्के हल्के अपनी पोजीशन इंक्रीज कर रहे हैं. तो यहाँ पर अगर ये कन्वर्ज होता है या होने वाला होगा तो एक बियरिश सेंटीमेंट डेफिनेटली आ सकता है. सो ठीक है, एक बार हम और बात कर लेते हैं FIR डाटा की. FIR डाटा पे अगर हम लोग चेक करें तो इंडेक्स फ्यूचर उन लोगों ने 1160 करोड़ का बाय करा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पुट बाय करी हुई है 18,000 की, एंड उन्होंने कॉल शॉर्ट भी करा हुआ है. सो अब देखिए उन्होंने पुट ऑप्शंस के अंदर एक बियरिश सेंटीमेंट बना रखा है, उन्होंने कॉल्स भी शॉर्ट करे हुए, उन्होंने पुट भी लॉन्ग करे हुए, पुट ज्यादा लॉन्ग नहीं करे हुए, विच इज अ गुड साइन. अगर हम बात करें फ्यूचर्स, उन्होंने अच्छा लॉन्ग करा हुआ है. चलिए एक बार डाटा को स्टडी करते हैं. 20th मे को उन्होंने फ्यूचर लॉन्ग करा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बड़ी मूवमेंट देखी थी. उन्होंने ये चारों टाइम एक अच्छी फ्यूचर्स लॉन्ग करा था, तो हम लोगों ने अच्छी मूवमेंट मार्केट के अंदर देखी थी. व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इस कि अगर इन्होंने यहाँ पर फ्यूचर लॉन्ग करा हुआ है, फ्यूचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर मैं बात करूँ कॉल या पुट राइटर्स की, तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल एक बर्लिश मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलने वाली है. बट हमें ये याद रखना है कि लास्ट एक्सपायरी, जब भी हम लोगों ने मंथली एक्सपायरी देखी है तो जनरली हम लोगों को शुरुआत पे कोई ट्रैप देखने को मिलता है FIR की तरफ से, तो वो हमें बचने के लिए हमें लास्ट शुरुआत के 30 मिनट्स तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना. 20-30 मिनट्स तक हमें ऑब्जर्व करना है, क्या फॉल अगर आ रही है तो वो ट्रेंड रिवर्सल में तो चेंज नहीं हो रही है, या अगर एक गैप अप खुला तो क्या वो ट्रेंड रिवर्सल में चेंज नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी. उसके बाद मार्केट स्टेबल रहेगी, बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते. चलिए अब बात कर लेते हैं अपने स्टॉक्स की. तो मैं आज आप लोगों को सिर्फ दो स्टॉक्स बताने वाला हूँ, एंड सेक्टर्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. ICICI जनरल लोम्बार्ड की अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये मैंने आप लोगों को बताया भी है. आप यहाँ चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है एट एग्जैक्टली 1200 रुपीज में, इसने एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है. इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम एज वेल एज. अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी है, स्टॉक ने एक फॉल करा पुल बैक, अगेन एक फॉल करा पुल बैक, अगेन एक फॉल करा, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम. बट डबल बॉटम पे हम क्या इसे माने कि ये पर्टिकुलर ये दोबारा ये फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स अप मूव नहीं देगा या डबल बॉटम नहीं देगा और ये नीचे नहीं गिरेगा. सो यहाँ पर आप समझिएगा ये एक बियरिश कैंडल बनी, यहाँ पर हम लोगों ने देखा एक हैम्बर थी, नेक्स्ट एक बुलिश कैंडल थी. बट आप अगर आप चेक करोगे तो इस बियरिश कैंडल के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग नहीं दी थी, एंड उसके बाद एक रिवर्सल आ गया. अगेन इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम, बट अगर आप चेक करोगे तो दिस कैंडल और दिस कैंडल के ऊपर जाके इसने अपनी क्लोजिंग दी है, विच इज अ गुड साइन. ऊपर जाके नहीं दिया बट कल दे सकता है. सो व्हाट वी कैन डू इज अभी करंट प्राइस इज 1249 रुपीज, दैट इज 1250 रुपीज. तो अगर ये इसके ऊपर जाती है तो डेफिनेटली वी कैन बाय. फर्स्ट टारगेट शुड बी 1280 to 1290 रुपीज, एंड नेक्स्ट टारगेट शुड बी 1320 रुपीज का.
तो स्टॉक अपनी एज अ वॉच लिस्ट रख सकते हो, बट अगर ये 1255 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हमें बाय करना है। आर नेक्स्ट स्टॉक इज बेयर कॉर्प। अगर आप बेयर कॉर्प को चेक करते हो, स्टॉक भी अच्छा कर रहा है। लेट मी ओपन अ वीकली टाइम फ्रेम फॉर यू। पर्टिकुलर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2016 से ये एक इसके लिए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस था। लास्ट टू ईयर्स बैक इसने 2020 पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद रैली हम लोगों को बहुत अच्छी देखने को मिली है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अब यहाँ पर ही कंसोलिडेटेड कर रहा है। इफ आई ओपन एट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। सो आई पर्सनली थिंक ये पर्टिकुलर स्टॉक अब एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। राइट नाउ द करंट प्राइस इज 49.75। अगर ये 49.85 के ऊपर ये निकलता है और सस्टेन करता है, 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज होती है, द नेक्स्ट टारगेट शुड बी इस 5100 टू 5300। बड़े ब्रेकआउट्स भी ये दे सकता है अगर ये सिर्फ 10-15 रुपये ऊपर जाके 15 मिनट की कैंडल एक बुलिश कैंडल क्लोज करता है। तो दोनों स्टॉक्स को ऑब्जर्व करेगा, अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए या नेक्स्ट मंथ के लिए भी एक काम आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। इसके अलावा 1st of July से गाइस, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ से हमारा 1st of July से कोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। इसके अलावा टेलीग्राम पे कल बहुत बातें होने वाली है, बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूं, बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाली है। सो मेक श्योर अगर आप लोगों को कल बढ़िया ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स एनालिसिस की, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो। इसके अलावा आई विल ट्राई माई 100% बेस्ट कि मैं कल इंस्टाग्राम पे भी लाइव आऊं और कुछ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी के सेटअप्स प्रोवाइड करता हूं, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन कर सकते हो या फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम हैंडल पे भी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो ये बहुत लंबी हो गई है, बट आई नो अगर आप लोग ये पूरी वीडियोज देख रहे हो तो कुछ लर्न भी कर रहे हो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।